देवयानी बंदेवाल वे आउटसोर्स का नमक जमा हो चुका है, जिसको सांभर साल्ट द्वारा अभी तक नहीं उठाया गया। सांभर साल्ट द्वारा नमक नहीं उठाने के कारण नमक जमने वालों का काफी नुकसान हो रहा है। जल्द ही मानसून प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा, जिससे पूरा नमक गलकर खराब हो जाएगा। सांभर साल्ट कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों, बंदेवाल व आउटसोर्स की व्यक्तियों द्वारा सांभर साल्ट के जीएम से वार्ता करने के लिए समय भी लिया और वार्ता करने वे जीएम कार्यालय पहुंच गए, परंतु साल्ट के जीएम ने वार्ता करने से मना कर दिया। साथ ही जीएम द्वारा ज्ञापन लेने में भी समय का अभाव होने की बात कहते हुए असमर्थता जताई। इसके बाद महाप्रबंधक सांभर साल्ट के नाम पर प्रमुख प्रबंधक उत्पादन शिवजी सिंह को ज्ञापन दिया गया। सांभर साल्ट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मूलचंद सूत्रकार ने बताया कि वर्तमान में देवयानी पैन वर्कर्स में लगभग 50 लाख रुपए का नमक पड़ा है। यदि नमक का भंडारण समय पर नहीं हुआ तो नमक खराब हो जाएगा और बंदेवाल और आउटसोर्स में नमक उत्पादन करने वालों को आर्थिक नुकसान होगा। इस अवसर पर सांभर साल्ट कर्मचारी संघ के साथ साथ नमक उत्पादन करने वाले मौजूद रहे। सांभर लेक से डब्लू गोस्वामी की रिपोर्ट। आपने क्या ज्ञापन दिया आज? इनकी समस्या यह है कि जो नमक उत्पादित कर दिया गया है ना, वो समय पर नहीं उठ रहा है, और चूंकि बरसात का मौसम अब अत्यंत समीप है और समीप के कारण जो है वहाँ पानी की स्थिति और जो है रास्ता नहीं है, और रास्ते की वजह से ठेकेदार फेल होकर हो रखा है, और वो चाहता नहीं कि माल उठे और इनका जो उत्पादित नमक बेकार हो जाएगा और इनको नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कंपनी को भी फायदा हो और इनको भी फायदा हो और इनकी मेहनत सफल हो, ये हमारा मन की इच्छा है, और इसी कामना के साथ हम निवेदन करने आज महाप्रबंधक कार्य मोदी से आए थे। आज सांभर साल्ट के बंदेवाल मजदूरों ने आपको ज्ञापन दिया है। इनकी समस्या है कि नमक नहीं उठ रहा है, ये कब तक उठ जाएगा? इसके लिए हम लोगों ने ठेकेदार को एक चेतावनी भरा पत्र दिया हुआ है, उसमें 4 तारीख तक का उसका समय दिया है कि अगर उसको कोई समस्या है तो अवगत कराए, अन्यथा कंपनी उसकी रिस्क एंड कॉस्ट पर किसी दूसरे ठेकेदार से काम करा के 15 तक नमक पूरा उठाने का प्रयास करेगी कि इनका नमक 15 से पहले पूरा उठ जाए, ताकि इनको भी चाहे कंपनी को किसी भी तरीके का वित्तीय हानि नहीं हो सके। ओके, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, इसको करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके शुभ नाम? शिवजी सिंह। शिवजी सिंह, आप कौन सी पोस्ट में हैं यहाँ पे? प्रोडक्शन मैनेजर, मुख्य प्रबंधक उत्पादन। अच्छा, और आज के प्रोग्राम में कौन भेजा है आपको यहाँ पे इसके अटेंड करने के लिए? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए माली वो महाप्रबंधक कार्य ने हमको कहा कि वहाँ कुछ आए हैं, उनको आप अवगत करा दीजिए, उनका जो भी समस्या सुन के मेरे को अवगत कराएं, ताकि उसके अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई कर सकें। मगर जीएम साहब क्यों नहीं आए, इसीलिए पूछ रहा था। जीएम साहब किसी और कारण में व्यस्त होंगे, कहीं जो उनका टूर जाना था, कोई उनके आया था जिनके साथ उनको जाना आवश्यक था। जीएम साहब ही आपको भेजा है, मतलब ये प्रोग्राम का अटेंड करने? भाई, मैं मेरे ऑफिस में खबर आएगी, वहाँ कुछ अपने यूनियन वाले हैं जिनकी समस्या है, बंदे वाले हैं, उनकी आप सुन लीजिए, उनका जो भी समस्या सुन के मुझे अवगत करा दें, ताकि उसके अनुसार अपन कार्रवाई जो हम कर रहे हैं उसमें और पॉजिटिवली काम करते हुए जल्द से जल्द उसको पूरा कर सकें। ये था उन्होंने इंस्ट्रक्शन देंगे, तो उसके हिसाब से अपने कार्रवाई करें। मतलब आप तो कोशिश तो पूरा करेंगे ना? ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ये मतलब ये सारी कागज में ही रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली। अच्छा, उसकी रिस्क एंड कॉस्ट पे चाहे उसको